हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ गुंजन शर्मा। आज के इस वीडियो के अंदर मैंने जो टॉपिक लिया हुआ है वो है बीएससी फिजिक्स का आपका पेपर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला। तो जो बीएससी फिजिक्स का ये पेपर है क्वांटम मैकेनिक्स का, इसका कंप्लीट सिलेबस, इसके बुक्स, इसके नोट्स, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस, इस पेपर से रिलेटेड बीएससी एग्ज़ाम के रिगार्डिंग टिप्स, सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर मैं कवर करने वाली हूँ। तो यदि आपके बीएससी फिजिक्स के अंदर क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी वाला पेपर है, देन दिस वीडियो इज़ वेरी हेल्पफुल फॉर यू। एंड जो नोट्स आपको मैं प्रोवाइड करवाने वाली हूँ वो आपके बीएससी एग्ज़ाम में काफ़ी हेल्प करेंगे। तो पूरी डिटेल्स जानने के लिए इस पेपर के रिगार्डिंग इस वीडियो को कम्प्लीट देखिएगा। स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले इस पेपर के अंदर आपको कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं एंड कौन कौन से चैप्टर्स के नोट्स आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बीएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स के जो चैप्टर्स हैं वो बता देती हूँ। ये पांच चैप्टर आपको इस पेपर के अंदर पढ़ने हैं। पहला चैप्टर है आपका क्वांटम थ्योरी, सेकंड चैप्टर है आपका श्रोडिंगर वेव मैकेनिक्स, थर्ड चैप्टर है आपका सिंपल सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर इक्वेशन, फोर्थ चैप्टर है आपका बाउंड स्टेट प्रॉब्लम्स, फिफ्थ चैप्टर है आपका एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड मॉलिकुलर स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो ये पूरा आपका पांच चैप्टर मिलके आपका कंप्लीट पेपर कवर करता है क्वांटम मैकेनिक्स का। इन पांचों के ही कंप्लीट नोट्स मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगी हिंदी एंड इंग्लिश दोनों मीडियम के लिए। लेकिन नोट्स से पहले हम बात कर लेते हैं बुक्स की। मैंने यहाँ पर ये बुक लेकर रखी हुई है, ये है बीएससी फिजिक्स की क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की बुक। ये आपको मतलब पूरा दिख नहीं रहा होगा, इसको मैं आपको डिटेल में पूरा अच्छे से समझाती हूँ अभी बुक दिखाकर, जिससे आपको पता चले कि आपको यदि बुक परचेस करनी है या बुक को पढ़ना है तो किस तरीके से बुक को पढ़ने का तरीका रहेगा बीएससी की इस क्वांटम मैकेनिक्स की बुक का, वो आप देख लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास ये बुक है क्वांटम मैकेनिक्स एंड स्पेक्ट्रोस्कोपी की, CBH पब्लिकेशन की ये बुक है। लेकिन आपको जब बुक खरीदनी है तो पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग नहीं खरीदनी, आपको बुक अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग खरीदनी है। ये जो बुक है वो देख लीजिए, इन सभी यूनिवर्सिटी के अंदर काम में आएगी। जैसे इसमें अलवर, DUS यूनिवर्सिटी, राजस्थान यूनिवर्सिटी, कोटा यूनिवर्सिटी, JNV यूनिवर्सिटी, MLS यूनिवर्सिटी, तो इस तरीके से जो भी आपकी यूनिवर्सिटी की बुक होगी उसमें आपकी यूनिवर्सिटी का नेम लिखा हुआ होगा। बुक हमेशा अपनी यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग खरीदे, ना कि पब्लिकेशन के अकॉर्डिंग, स्पेशली इन BSc, चाहे वो आपका फिजिक्स का बुक हो, केमिस्ट्री का बुक हो या मैथ का बुक हो, ठीक है। यहाँ पर इसमें स्टार्टिंग में टॉपिक्स दिए हुए हैं हर चैप्टर के अंदर। तो ये जो इतने सारे टॉपिक्स हैं, अब ये देखो, अभी मैंने आपको दिखाया कि इतनी सारी यूनिवर्सिटी के अंदर ये बुक चलती है, तो उन सभी को मिला के ये टॉपिक्स इस बुक के अंदर दिए हुए हैं। अब मैंने जब ये बुक खरीदी थी तो मैंने खरीदी थी कोटा यूनिवर्सिटी के लिए। तो यहाँ पर जो मैंने टॉपिक्स पर टिक लगाए हुए हैं ना, ये टिक लगाए हुए हैं कोटा यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग। यानी आपको भी जब बुक परचेस करनी है और यदि आप बुक से पढ़ते हैं तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, स्टार्टिंग में जो इंडेक्स पेज दिया हुआ होता है जिसमें आपके सारे चैप्टर के और टॉपिक्स के नेम लिखे हुए हैं, उसमें अपने सिलेबस को निकाल कर टॉपिक्स को टिक लगा लेने हैं कि मुझे इस चैप्टर के अंदर से ये टॉपिक्स ही पढ़ने हैं, ना कि कंप्लीट चैप्टर। क्योंकि यदि आप कंप्लीट चैप्टर पढ़ने बैठोगे तो वो बहुत ज़्यादा हो जाएगा और वो आपके सिलेबस से एक्स्ट्रा होगा। ओनली जो आपके टॉपिक्स सिलेबस में दिए हुए हैं वही टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, उनको टिक लगा लेने हैं और फिर उन्हीं टॉपिक्स को आप अंदर बुक से पढ़ें, ठीक है। ये चीज़ आप ज़रूर ध्यान रखें, ये सभी बुक्स के अंदर मैंने आपको बताया हुआ है। बीएससी की आप कोई भी बुक खरीदें, स्टार्टिंग में आपको टॉपिक्स टिक लगा लेने हैं अपनी यूनिवर्सिटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग और फिर उन्हीं टॉपिक्स को आप पढ़ें, क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स होते हैं ताकि सारी यूनिवर्सिटी का सिलेबस कवर हो जाए। कुछ यूनिवर्सिटी में चार पांच टॉपिक कम ज़्यादा होते हैं, इसलिए उसमें सारे टॉपिक्स डाल दिए जाते हैं एक चैप्टर के अंदर जितने भी टॉपिक्स कवर होते हैं। तो वो आप अपने अकॉर्डिंग देखना जिस हिसाब से मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बुक का। बाकी एक चीज़ आप ध्यान रखें कि बुक केवल वही स्टूडेंट्स खरीदे जो कि फिजिक्स के अंदर आगे MSc में इंटरेस्टेड हैं या फिर किसी भी MSc एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं फिजिक्स के लिए। वरना जो मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ या आपके पास कोई नोट्स है तो नोट्स ही काफ़ी है BSc के अंदर, बुक खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। यदि आपको आगे MSc करनी है, डीप नॉलेज लेनी है, हर टॉपिक को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करने हैं, तो ही आप बुक परचेस करें। या फिर आपके पास पढ़ने के लिए बिल्कुल भी कोई नोट्स नहीं है, स्टडी मटेरियल नहीं है, तो ही आप बुक परचेस करें। अदरवाइज बुक की जरूरत नहीं पड़ती बीएससी के अंदर, ठीक है। सिर्फ बीएससी की डिग्री करनी है तो बुक की जरूरत नहीं है, नोट से काम चल जाएगा।
नाउ बुक के बाद अब मैं आपको नोट्स के बारे में बता देती हूँ। नोट्स के दो लिंक्स, हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के दो लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो भी मीडियम हो, अपने मीडियम के अकॉर्डिंग लिंक को ओपन करना और आप वहाँ से नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब ये जो नोट्स हैं इनमें मैंने जो आपको स्टार्टिंग में पाँचों चैप्टर बताए थे, उन पाँचों चैप्टर के कम्प्लीट कम्बाइंड एक सिंगल पीडीएफ के अंदर आपको चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाएंगे। एंड ये नोट्स वैसे तो स्पेशली कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के सिलेबस पर बेस्ड बनाए हुए हैं, इसलिए यदि आप कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तो ये जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं इनको डेफिनेटली बेझिझक बिना कोई भी डाउट के आप बस इन नोट्स को पढ़ लीजिए और आपका कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम से, मतलब इन नोट्स से बाहर से नहीं आएगा आपके बीएससी एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, लेकिन यदि आप किसी अदर यूनिवर्सिटी से हैं एंड ये क्वांटम मैकेनिक्स का पेपर आपके भी बीएससी फिजिक्स के अंदर है और यदि सेम चैप्टर्स हैं तो भी आप ये नोट्स पढ़ सकते हैं। बस कुछ टॉपिक्स इसमें कम ज़्यादा होते हैं यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, तो वो कुछ टॉपिक्स आप देख लीजिएगा, अपने सिलेबस से मैच कर लीजिएगा। अदरवाइज ये नोट्स आप यदि अदर यूनिवर्सिटीज हैं, कोटा यूनिवर्सिटी एंड राजस्थान यूनिवर्सिटी के अलावा, तो भी आप ये पढ़ सकते हैं क्योंकि काफ़ी सारे टॉपिक्स तो सेम ही रहते हैं, चैप्टर सेम होंगे तो टॉपिक्स भी तो सेम होंगे ना। चैप्टर की जो एक्सप्लेनेशंस है, टॉपिक्स की जो एक्सप्लेनेशन है, थ्योरी है, डेरिवेशंस हैं, इक्वेशंस वगैरह हैं, तो ये चीज़ें चेंज थोड़ी होती है, केवल मतलब कुछ टॉपिक्स कम ज़्यादा होते हैं, बाकी सिलेबस ऑलमोस्ट सभी यूनिवर्सिटी का सेम रहता है। तो आप ये नोट्स एक बार पढ़ के देख सकते हैं, आपके लिए भी नोट्स डेफिनेटली हेल्पफुल रहेंगे। अब आप सभी स्टूडेंट्स, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करिएगा ताकि वो भी इस वीडियो के ज़रिए अपने क्वांटम मैकेनिक्स के नोट्स वगैरह ले सकें, बुक्स की पूरी डिटेल्स जान सकें। एंड आगे जो मैं आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाली हूँ वो सभी को देखकर उनका भी बीएससी एग्ज़ाम में फ़ायदा हो सके। ठीक है, तो प्लीज़ आपको ये चैनल ज़्यादा से ज़्यादा बीएससी स्टूडेंट्स को शेयर करना है। इसके अलावा जो आपके बाकी के पेपर्स हैं, सॉलिड स्टेट फिजिक्स का पेपर है, न्यूक्लियर फिजिक्स का पेपर है, उन सभी के ऊपर मैं वीडियोज़ बना चुकी हूँ, उनके बुक्स, उनके नोट्स, उनका सिलेबस, सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, तो आप चैनल पर देख लेना। ठीक है, अब यहाँ पर जो मैंने ये नोट्स निकाले हुए हैं वो नोट्स हैं आपका जैसे एक सिंगल पीडीएफ के अंदर आपके पूरे पांचों चैप्टर कवर अप। लेकिन यदि आपके पास मान लीजिए आपको चैप्टर वाइज नोट्स देखने हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक करना, प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा बीएससी क्वांटम मैकेनिक्स नोट्स। ठीक है, बीएससी फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स नोट्स के नाम से एक प्लेलिस्ट है, उसका लिंक भी चाहे तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। उसमें हर चैप्टर की, इसके अंदर आपके जो पांच चैप्टर है ना, पांचों चैप्टर की चैप्टर वाइज मैंने नोट्स की वीडियोस बनाई हुई है और उनके अंदर ही कुछ इंपॉर्टेंट जो इसमें टॉपिक्स हैं वो बता दिए हैं वीडियो के जरिए ही, पूरे नोट्स उसमें दिखाए हुए हैं। तो आप उन वीडियोस को चेक करके पर्टिकुलर चैप्टर वाइज मतलब जो भी आपके एक एक चैप्टर का आप नोट्स ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि कंप्लीट पीडीएफ लेने से अच्छा हमें चैप्टर वाइज नोट्स मिल जाए, तो वो भी आप प्लेलिस्ट चेक करना, आपको मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारे लिंक्स डाल दूंगी, बस आपको लिंक्स चेक करने हैं और अपने मीडियम के अकॉर्डिंग वीडियोस ओपन करके देख लेने हैं। सारे नोट्स बीएससी फिजिक्स से रिलेटेड कंप्लीट जितने भी पेपर हैं आपके हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम के, हर चैप्टर के नोट्स मैंने इस चैनल पर प्रोवाइड किए हुए हैं, आपको बस प्लेलिस्ट चेक करके अपने मीडियम के अकॉर्डिंग देखने की ज़रूरत है। ठीक है, तो वो उन सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। इसके अलावा जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, मैथ्स हैं, तो उनके भी काफ़ी सारे नोट्स अवेलेबल हैं, कुछ फ्री नोट्स हैं, कुछ पेड नोट्स हैं, तो वो आप देख लेना। बाकी ये है कि एक बीएससी का कंप्लीट कंटेंट आपको इस चैनल पर मिल जाएगा, सो यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, अब हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर पढ़ते हैं कि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आते हैं इस पेपर से रिगार्डिंग, वो किस तरीके के आएंगे। तो देखो, जब आप ये पेपर पढ़ोगे, जब आप इसके नोट्स पढ़ोगे, इसके टॉपिक्स को पढ़ने बैठोगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें काफ़ी सारे डेरिवेशंस हैं। जो आपकी यूनिट 3 और 4 वाली है उसमें तो स्पेशली आपके काफ़ी सारे डेरिवेशन ही डेरिवेशन भरे हुए हैं, तो उन डेरिवेशन को आपको बस दो बार अच्छे से रफ में बिना देखे पूरा लिख के प्रैक्टिस कर लेनी है और आपको आसानी से याद हो जाएगा। जो नोट्स मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं, उन नोट्स में जो मैंने डेरिवेशन लिखे हुए हैं, बिल्कुल स्टेप वाइज एक एक पॉइंट उसमें डेरिवेशन की बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन की हुई है। तो यदि आप नोट्स को एक बार अच्छे से पढ़ लिया तो आपको डेरिवेशन समझ में आ जाएगा, आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये लाइन कहाँ से आ गई बीच में। बिल्कुल इजी एक्सप्लेनेशन के साथ, इजी लैंग्वेज के साथ ये नोट्स प्रोवाइड करवा रही हूँ मैं आपको, ताकि सभी स्टूडेंट्स के नोट्स पढ़ने में आसानी से आ जाए और आप बीएससी एग्ज़ाम में अच्छा स्कोर करके आएँ।
ठीक है, ये जो नोट्स हैं उनके काफ़ी अच्छे रिव्यूज़ आए हैं स्टूडेंट्स से रिगार्डिंग, इसीलिए ये मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर कर रही हूँ ताकि आप भी अपने बीएससी एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लेकर आ सकें नोट्स को पढ़ के। बाकी इन नोट्स को पढ़ने के बाद आप सभी लोग अपने रिव्यूज़ भी ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में ताकि अदर स्टूडेंट्स को भी ये नोट्स का फीडबैक मिल सके। ठीक है, अब बीएससी एग्ज़ाम में इस पेपर से जो क्वेश्चन आएंगे वो होंगे आपके डेरिवेशन वाले मोस्टली क्वेश्चन, इसलिए सारे डेरिवेशन जितने भी हैं इस पेपर के अंदर सारे आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेने हैं। नोट्स पढ़ने के बाद यदि आपको लगता है कि अब हमें कुछ और पढ़ना है तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाइएगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में से आपको 70% पेपर एज इट इज़ देखने को मिल जाएगा, 70% क्वेश्चन एज इट इज़ रिपीट होते हैं। आप केवल ना पिछले 4 या 5 साल के प्रीवियस ईयर पेपर कर लोगे ना तो आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पहले आपने नोट्स कर लिए फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कर लिए और इसके बाहर से आपका कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला बीएससी एग्ज़ाम में। मेरे खुद के एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मैंने ओनली नोट्स करे थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करे थे और उसी से ही मेरे 85+ percentage बनी है बीएससी के अंदर विद सेकंड रैंक इन यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा बी इन बीएससी मैथ्स। ठीक है, तो अपने एक्सपीरियंस से मैं आप सभी के साथ ये चीज़ें शेयर करती हूँ, जो जो भी मैं आपको चैनल पर वीडियोस डालती हूँ बीएससी एग्ज़ाम से रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें मैं अपने एक्सपीरियंस से आप लोगों तक शेयर कर रही हूँ और ये चीज़ें आपको भी डेफिनेटली हेल्प करेगी। एंड इसके अलावा एक चीज़ और कि यदि इसमें कुछ कुछ टॉपिक्स के अंदर डायग्राम्स हैं तो डायग्राम के लिए आप फुल एक पेज लेना आपके बीएससी एग्ज़ाम कॉपी के अंदर और उस एक पेज में एक बड़ा सा डायग्राम बना के उसके सारे पॉइंट्स को अच्छे से एक्सप्लेन करके, जैसे कोई ग्राफ वगैरह आ जाता है तो उसको थोड़ा अच्छे से नीट एंड क्लीन आपको प्रेजेंटेशन देनी है नोटबुक के अंदर ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। ठीक है, और कोई भी क्वेश्चन आप खाली ना छोड़ के आएँ, यदि आपको नहीं आता उसके रिगार्डिंग तो उससे रिलेटेड कोई दूसरा टॉपिक उसके आसपास का टॉपिक लिख दें, लेकिन एग्ज़ाम कॉपी में कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना है। बीएससी एग्ज़ाम कॉपी में जो मार्क्स मिलते हैं वो कॉपी भरने के मिलते हैं, यानी यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आता आप उसे छोड़ कर आ गए कोई नंबर नहीं मिलने वाला, 0। उसके अलावा यदि आप उसमें कुछ ना कुछ उसके आसपास का उससे रिलेटेड कोई टॉपिक भी लिख कर आ जाते हैं तो आपको 2-3 number तो मिल ही जाएंगे, इस चीज़ की श्योरिटी दे रही हूँ मैं, क्योंकि ये चीज़ मैंने देखी है काफ़ी स्टूडेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखें कि कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ के नहीं आना, डेरिवेशन अच्छे से करें, प्रैक्टिस ज़रूरी है डेरिवेशन के अंदर, डायग्राम्स अच्छे से बनाएं नीट एंड क्लीन। इसके अलावा यदि अभी भी आपका कोई डाउट है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, आई विल डेफिनेटली आंसर योर प्रॉब्लम्स। प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू मोर बीएससी स्टूडेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।